तो हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? वैसे लेट तो हो गई है थोड़ी सी, ज्यादा तो मैं करता नहीं हूँ। तुमने तो बहुत कुछ कर दिया भाई, जितने मेरा महीना खर्चा नहीं उससे ज्यादा तुमने सब्सक्राइबर माइनस करवा दिया भाई। और जो पीछे से चीख रहा है और कर दियो गो, एक दो महीने पहले बता लेते तो मैं इतना पैसा नहीं लगा रहा था अभी तक। हालांकि गिव अवे अभी तक एक भी नहीं है, तुम लाइक गेम पूरा ही नहीं करा तो काहे को गिव अवे दूं मैं तुमको। एनीवेज, आज हम करने जा रहे हैं एडकॉम का ये वाले जो लेंस किट है इसका रिव्यू अनबॉक्सिंग। तो करेंगे अनबॉक्सिंग, बिना अनबॉक्सिंग के इस चैनल सब्सक्राइबर माइनस हो, ऐसा हो सकता कभी? तो अनबॉक्सिंग से पहले मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जो वाली वीडियो है ना, ये लास्ट वीडियो इमोशनल सॉन्ग का एक आ रहा भाई। तो एक्चुअल में भाई अभी हमारे हो रहे थे फिर बोर्ड, और हालत तो मैं ये बताऊं तुम्हें, सकल से नहीं दिख रही क्या? टीचर ने तो मेरे को मार्क्स भी पहले बता देते बिना देखे कि बेटा तेरे तो जीरो में सुतान ये बेलन चलना हथियार चलना, ये तो आम बात होगी, कोई दिक्कत नहीं मेरे को उसमें। अब आज के दिन ये मत बोलना कि तुम्हारा टाइम बर्बाद कर रहा हूं। तो फिलहाल अनबॉक्सिंग करते हैं। गालियां तो कमेंट सेक्शन में आएगी होंगी कि रिजी फैला रहा बैठ गया। तो हाँ भाई, ये डब्बा प्यार बरसाने वालों बरसाने प्यार भी कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब बटन तो बेचारा प्यासा बैठा हुआ कब से। ये कुछ डब्बा तुम्हें दिख रहा हुआ एडकॉम ट्रैवल लेंस लिखा हुआ, इस पे यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो। पढ़ना मेरे को आ रहा तो इस बार में प्रीबोर्ड में टीचर को गाली नहीं खा रहा होता। तो ज्यादातर इस डब्बे में एडकॉम ट्रैवल लेंस लिखा हुआ, बस यहाँ पे थोड़ा सा तो उसका मैन फर्क गया था। तो इस डब्बे में यहाँ पे सील होती है, वो मैंने पहले ब्रेक कर दी। ऐसा कुछ खुलता है यहाँ पे, ऐसे तुम देख सकते हो इसके अंदर कुछ लिफाफे दे रहे, फोकस नहीं हो रहा है, इसके अंदर कुछ लिफाफे दे रखे। मैं तुम लोग को सारे लिफाफे पढ़ाता हूँ ना, तुम बोलोगे कि नाराज कर दे मेरे को, किसी को नाराज नहीं करता मैं। तो सबसे पहले तुम लोग देख सकते हो इन चीजों में कंजूसी नहीं होती बिल्कुल भी, तुम इसको कहीं भी चिपका सकते हो। सेकंड चीज, थैंक यू, वेलकम। जिंदगी में पहली बार किसी थैंक यू वाला दोस्त एडकॉम अफोर्डेबल एवरीडे, जो भी लिखा क्या लिखा है अफोर्डेबल एवरीडे लिखा हुआ। वो मेरी इंग्लिश बहुत तगड़ी है भाई, अमेरिकन इंग्लिश दोस्त। तो यहाँ पे लिखा हुआ कैप्चर द मोमेंट, तुम लोग इंस्टाग्राम ऐसे फोटो खींच के डाल सकते हो, और यहाँ पे #hashtag डाल के फिजूल का प्रमोशन करवा सकते हो अपना। तो जाके करो, मैं तो करूंगा ही करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ वारंटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ना, पर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद चली जाएगी। तुमको 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे वारंटी रजिस्टर करना पड़ता है, नहीं करा तो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना भाई दोस्त। क्या है इसका? यहाँ पे एक और चीज मिलती है एडकॉम ट्रैवल लेंस। तो ये भाई तुम लोग का चित्र आकार तो बने हुए इसमें, ये लेंस तो शायद मेरे साथ नहीं, क्या क्या लिखा इसमें समझ नहीं आ रहा। फाइनली ये हमारा प्रोडक्ट, जिसमें यहाँ पे चैन दिख रही है और आवाज बहुत तगड़ी आती है चैन से, पीछे से खाली है, मेरे दिमाग से बहुत मैच कर रहा है। ये चैन भी पैंडी वाली दे रही है, जो मैं कभी नहीं लगाता। खुलने के बाद तुम लोग को ये सीन दिखता अंदर का, बहुत ही मस्त मस्त लग रहा है कुछ, और यहाँ पे कुछ देख सकते हो तुम्हें। तो देवी और सज्जनों, तुम्हें मिलता है यहाँ पे एडकॉम का एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ। ये कुछ नहीं करता, ये स्क्रैच थोड़ा कम डालता है और थोड़ा तेल वाली चीजें ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो ये तुम लोग को मिलता है मेन, इस पे तो लगाने के लिए होता है। ये कैसे लगाना मैं तुम्हें बताऊंगा जरूर। सबसे पहले तो तुम लोग को यहाँ पे ये वाला जो लेंस दिख, तो ये वाला जो लेंस है तुम लोग देख सकते हो, मेरे हाथों के निशान पड़े हुए, फिश आई लेंस 98 डिग्री। तो ये वाइड एंगल लेंस है फिश आई वाला। दूसरा ये वाला लेंस है, ये CPL लेंस है। ये CPL लेंस क्या काम करता है मैं तुम्हें बताऊंगा पर रोज जरूर। तीसरा ये वाला लेंस है, तुम लोग देख सकते हो मैक्रो लेंस भी इसी में 15x वाला, और यहाँ पे 0.63 का वाइड एंगल भी इसी में। तो तुम लोग को बताऊंगा कैसे लगता है थोड़ी देर में, चिंता मत करना भाई। ये चौथा लेंस है टेलीफोटो 2x जूम वाला लेंस है। तो इसका मैं तुम लोगों को सबका यूजेस बताऊंगा कैसे कैसे में करना है और कैसे लगते हैं ये लोग। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यार बहुत तगड़ी लग रही है भाई, बिल्ड क्वालिटी इसकी भी बहुत तगड़ी है, बट इनके कंपेयर में ये कमजोर लगने लगा है। भाई ये सारे मेटल के हैं भाई, बहुत तगड़े लग रहे हैं भाई, इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत तगड़ी है। ओवरऑल पाउच की क्वालिटी दिखाऊँ मैं तुम लोग, पाउच की क्वालिटी काफी ज्यादा मस्त लग रही है। यहाँ पे कुछ रखने का भी है, तुम कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, और बंद भी हो जाता है काफी अच्छी तरह से, काफी हार्ड लग रहा है ऐसे कुछ तुम देख सकते हो। इट्स गुड, घरे का तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। और यहाँ पे तुम लोग को ये चीज़ ही मिलती है, देखो चाबी केस टाइप का मस्त, तुम लोग ऐसे कर सकते हो निकाल सकते हो, मेरे को बहुत सही लगा इसको ऐसे पकड़ के तुम लोग घूम सकते हो। लगाने के लिए सबसे पहले तुम लोग को इसका बाहर का निकालना है ऐसे कुछ, और उसके बाद तुमको बस इसको ऐसे घुमा देना है इसके ऊपर, ये बात हो चुका है। और किसी भी मोबाइल पर तुम लोग को ऐसे लगा देना है, ये लेंस का साइड होना चाहिए ऐसे में, और तब ये चलने लग जाएगा। और एक मैं तुम्हें बता रहा था ना कि ये 2-in-1 लेंस है, इसमें मैक्रो भी है, इसमें वाइड एंगल भी है। तो कैसे काम करता है, अभी अगर दोनों लगा रखे होंगे, समझ लो दोनों लगा रखे होंगे तो ये चल जाएगा तुम्हारा वाइड एंगल में, ठीक है, चीज़ों को वाइड दिखाएगा। और अगर तुम सिर्फ आगे वाला निकाल दो, पता नहीं चीज़ वीडियो बनाते समय बेइज्जती क्यों कराती है। तो ये तुम देख सकते हो एक तरफ कैसा निकल गया। तो अब ये बन चुका है मैक्रो लेंस, पास की चीज़ को बहुत तगड़ा फोकस करेगा। एक बार इसी में लगा दिखा दो तुमको, अभी यहाँ पे इतना फोकस नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को, ये देखो अब कर पा रहा है। तो ये ऐसे कुछ है, तब करते हैं इसकी टेस्टिंग कैसे कुछ लगता है। और एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया कि इसकी ना बिल्ड क्वालिटी बहुत तगड़ी है, एज कम्पेयर टू चीप वालों ये काफी बढ़िया क्वालिटी का लेंस प्रोवाइड करता है। देखो जो क्वालिटी प्रोवाइड करता है तो यार एकदम हाई एंड प्रोफेशनल लेवल तो नहीं है, बट हाँ काफी बढ़िया है। तो इस चीज की क्वालिटी कुछ ऐसे तुम लोग देख सकते हो, काफी अच्छी क्वालिटी है। एक्चुअल क्वालिटी तुम लोग को थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, बट काफी अच्छा लग रहा है।
अब जाते हैं एक्चुअल टेस्टिंग के ऊपर। तो जैसे कि तुमने देखा इसके अंदर क्या क्या है, और अब हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और कितना अच्छा काम करता है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे पांच लेंस, पहले 198 डिग्री फिश आई लेंस। तो इसमें होता क्या है कि फिश आई तो मेरा मुंह रखा आजकल, ये ना काफी ज्यादा से वाइड एंगल करता है, तुम्हारे आंख से जैसे बहुत ज्यादा नहीं दिखता। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि दोनों में कितना अंतर आता है, भाई क्या हो गया उसको। तो गाइस ये है नॉर्मल फुटेज, कुछ ऐसा दिख रहा है शांति से बैठ के वहाँ पे, भाई क्या हो रहा है मेरे पैरों में। अब जैसे ही हम लोग इसको स्विच कर रहे हैं, देखो कितना कितना तो अंतर आ गया इसमें, काफी ज्यादा वाइड हो गया। और तुम लोग देख सकते हो क्वालिटी में भी इतना ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ मैं बोलूंगा कि थोड़ा बहुत तो अंतर आ ही गया भाई, बट सस्ते वालों से काफी अच्छा लगता है, बोलते सस्ती चीजें नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं टेलीफोटो 2x लेंस की। तो ये वाला लेंस क्या करता है, तुम्हें दुगना ऐसा जूम जूम करवा देता है, घरों में झांकने लायक जूम तो नहीं हो रहा उसमें, बट इतना कुछ जूम हो रहा, तुम लोग देख सकते हो कि कितना अंतर आ रहा है, मेन चीज तो मिस हो गई है। दूसरा वाला ये CPL लेंस, तो ये मेरे को समझ नहीं आया किस काम के लिए, बट लिखा है कि ऐसा सन में ग्लेयर नहीं आता थोड़ा बहुत, या फिर कहीं ऐसा तुम नदी में चले गए ऐसे एरिया में चले गए तो वहां पे ऐसा चमक नहीं आता, तुम्हारे झंझनाहट आंखों में बहुत तगड़ी वाली उसको कम करता है। और आजकल मेरी आंख ऐसे सूजी सूजी सी इसलिए लगी है क्योंकि आजकल मैं हीटेड तरुण बहुत ज्यादा देख रहा हूँ, और जो हीटेड तरुण को जानते होंगे तो इंस्टाग्राम में जरा मेरे चर्चा करवा देना, वहाँ प्रमोशन हो जाएगा थोड़ा। अब ये वाला एंगल लेंस मेरे को बहुत ज्यादा तगड़ा लगा, 0.6x वाइड वाला, ये मतलब तुम्हारा थोड़ा वाइड कर देगा। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसे दिख रहा है, और नॉर्मली और तुम लगाने के बाद देख सकते हो कितना तो वाइड कर दिया इसने। इसको तुम फ्रंट कैमरे में लगा सकते हो, जैसे कि तुम देख सकते हो मेरी इतनी वाहियात शक्ल थी, मैं बनाना तो नहीं जा रहा था, क्या करे व्यूज के लिए तो बनाना ही पड़ता ना। एनीवेज अब बात करते हैं 15x मैक्रो वाले की, जो लास्ट वाला लेंस इसमें। तो इससे पहले वाला लेंस को मैंने बेस्ट बोला था, और ये वाला तुम मेरे को सुपर लगा एकदम, भाई ये ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर सकता ना जो तुम्हारा मोबाइल नहीं कर सकता। शॉर्ट्स देखो पहले मेरे, अबे भाई फोटोग्राफर में प्रोफेशनल तो हूं, ये वाला जो पिक है ना देखो इस चीज की है, कितना तो जूम कर दिया इसने। तो मेरे को सबसे बेस्ट इन सब में से ये लेंस लगा, हालांकि पिछली बार वाले को मैंने बेस्ट बोला था, बट ये एक्चुअल वाला है। तो भाई तुम लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, पता नहीं क्यों नहीं लग रही हूँ, लाइक तो हो रखा नहीं नीचे, मेरे को एक बार समझ नहीं आती भाई वो लाइक बटन किस लिए बना रहा है। तो मैं आधा सर आधे लोग बोल रहे हैं डिसलाइक बटन किस लिए बना रहा, अगर तुम लोग को ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तो तुम लोग उसको आराम से खरीद सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और साथ ही में तुम लोग एडकॉम की वेबसाइट भी चेक कर सकते हो, वहाँ ऐसे प्रोडक्ट जो तुम लोग को पता भी नहीं होगा कैसे कैसे। एक बार जरा अपनी कैडी नजर मार देना, सब्सक्राइब बटन पे भी नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अलावा तुम लोग कुछ बताया नहीं होती तो लाइक सब्सक्राइब नहीं हो जाता, क्योंकि अगले 2 महीने तक मैं तुम्हें लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने को नहीं बोलूंगा। हाँ वो बात अलग है, मैंने 15-20 वीडियो शूट करके रखी है, तो उसमें जरा अपना इकरार बरसा देना। तो मिलते हैं अगली प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।